Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Nasir Jamal Shah from 42nd Common Training Program. और ये lecture जो है especially हमने plan किया ये lecture रखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम क्योंकि आपका करीब है ऐसे और कंपोजिशन के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं और विच आर द थिंग्स विच यू पीपल आर गोइंग टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम एंड स्पेशली वाइल अटेम्प्टिंग योर एसे एंड कंपोजिशन पेपर. तो मैं पहले भी कई दफ़ा जो है गुजारिश कर चुका हूँ कि अपना ऐसे के बारे में काफ़ी सारे अपना जो है चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं. खैर स्टार्ट करते हैं ऐसे के पेपर में कि आपने क्या करना है और क्या जो है अपना नहीं करना. देखें जब तक बात है अपना आपके ये जो डेज हैं क्रिटिकल डेज चल रहे हैं साफ़ज़हर का आपका एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बन रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो सबसे अहम चीज़ है कि चूंकि सर्दी भी है अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी नींद पूरी करें प्रॉपर. जो है आजकल जो ये वक्त है वो अपना रिवीजन का है अपना कोर्स जो है आप प्रॉपरली जो है रिवाइज करें और उसके साथ इंग्लिश पे तो फिर काम करना पड़ता है क्योंकि ये टाइम होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं सीएसएस जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें लिखें किसी से चेक कराएं जो आपको सही चेक कर दे जो आपकी मिस्टेक्स जो है पॉइंट आउट करे और आपको बताए अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आपको बताए कि कौन सी डायरेक्शन में आपने प्रोसीड करना था और आपने नहीं किया. ये तो आपके प्रिपरेशन के हवाले से. अब जब ऐसे पेपर के जो है अटेम्प्ट करने की बात आती है आपने क्या करना है. सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूं कि चॉइस ऑफ टॉपिक जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए बच्चा आप लोगों के पास जो है तकरीबन 10 टॉपिक्स होते हैं. 10 टॉपिक्स में से जो है आप अपना जो ऐसे है सोच समझ के सिलेक्ट करें. ठीक हो गया क्योंकि चॉइस ऑफ ऐसे मैटर्स अ लॉट इन जो है सिविल सर्विस एग्जाम जो ऐसे का पेपर है. अब बाज़ लोगों को मैंने देखा है अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे लिखाते हैं और यहाँ आके पूछ रहे होते हैं फेसबुक पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा. मेरा ख्याल ये सही अप्रोच नहीं है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग सही अप्रोच ये है कि 10 ऐसेज आपके पास 10 टॉपिक्स होते हैं 10 में से बेस्ट चॉइस करें कि आप कौन सा ऐसे है जिस पे ज्यादा से ज्यादा जो है आप लिख सकते हैं कौन सा ऐसे है जिसकी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर लग रही है जिसकी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल जो है अपना समझ आ रही है. तो वो चॉइस ऑफ ऐसे मैटर्स अलॉट उस वक्त जरा आप गलती ना कीजिएगा सोच समझ के जो है आपने ऐसे अपना जो है चूज करना है. ठीक हो गया. बाकी ऐसे राइटिंग टेक्निक्स पे ऑलरेडी बहुत सारी बात हो चुकी है. थोड़ा बहुत बताता चलूं कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बास टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है. आप लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं इतना आपको आपका माइंड जो है क्लियर होना चाहिए. पता नहीं कोई आपको कंफ्यूज करता है या आप लोगों को खुद बड़ा शौक है जो है कंफ्यूज होने का. तो थीसिस स्टेटमेंट क्या है फलां क्या है फलां क्या है. तो इन चीजों से आप बाहर निकलें और थीसिस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताता चलूं कि ये वो सेंटेंस है अपना आपके इंट्रोडक्शन का जिसमें आप अपना लाहे अमल ऐसे का बता रहे होते हैं कि मैं इस ऐसे को इस तरीके से डील करने जा रहा हूं मुझे इस टॉपिक की इस तरह समझ आई है मैं इसमें में लेकर इस टॉपिक को चलूंगा. ठीक हो गया. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डायरेक्टली अपने टॉपिक को जो है आप हिट करें. इधर उधर की बिल्कुल आपको बात करने की जरूरत नहीं है. टू द पॉइंट बात करें. जो स्टांस आपने देना है उस स्टांस को जो है आप बिल्कुल लेकर चलें
और इन द बिगिनिंग मेक इट क्लियर कि अपना जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है वो बता दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए जब वो आपका पेपर चेक कर रहा हो किस वे में आप प्रोसीड कर रहे हैं। एक और बात जो मैंने आपको समझाना थी बताना थी जो मैं अपना फर्ज समझता हूँ, मैंने अक्सर क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग एस्पिरेंट्स सीएसएस एस्पिरेंट्स फॉर द लास्ट 4 years और बुक भी अब मेरी दूसरी भी पब्लिश हो गई है कंटेम्प्रेरी एसेज जो है अपना, उसमें 50 लॉन्ग एसेज हमने इंट्रोड्यूस जो है कराए हैं। और जो है जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लड़के और लड़कियों को देखा है कि दे टेंड टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दे लाइक टू राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, वेग सेंटेंसेस। पता नहीं क्या चीज है जो हमें बता दी गई है कि ऐसे पता नहीं बहुत बड़ी बला होती है। जब मैं सीएसएस की प्रिपरेशन करने आया था तो मेरा एक बचपन का क्लास फेलो जो आज कल चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने कहा वो शाह साहब आपको ना वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं इतना दूर से आया हुआ सीएसएस की प्रिपरेशन करने लाहौर में, मैं तो परेशान हो गया कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज बचा यही है कि स्मॉल बट कंप्लीट सेंटेंसेस लिखें, सब्जेक्ट से अपना सेंटेंस स्टार्ट करने की कोशिश करें, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, नेवर एवर ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, ना आप उस सिचुएशन में पोजिशन में हैं और ना ही आप उसे इम्प्रेस कर सकते हैं जो आपने बात करनी है। जो है आपकी बात बिल्कुल एक एक्सप्रेसिव वे में अपनी बात करें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए जो आप बात करना चाहते हैं। जितना आप लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेंगे, जितना आप, मैं आप रोक तो नहीं सकता, सेमी कॉलन है, कॉमा है, कॉलन, ये सारे जो है ये ग्रामर का हिस्सा है। पंक्चुएशन के चैप्टर में आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, आपको आता भी होगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप सब्जेक्ट से फिक्रा स्टार्ट करें। जितने लंबे सेंटेंसेस आप लिखेंगे, आपके पास आउटलाइन बनाते बनाते आपके तकरीबन कोई अपना 35-40-50 मिनट लग जाते हैं कि 2 घंटे का टाइम होता है ऐसे लिखने के लिए। तो जरूरी होगा कि आप जो है शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें। लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेंगे कहीं भी थोड़ी सी कोई कहीं कॉमा कोई फुल स्टॉप कोई मिस्टेक रह गई तो आपका वो सेंटेंस तो पूरे का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अपना पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलें और एक पैराग्राफ में जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो आइडिया इंट्रोड्यूस कराया है उसको वेल अच्छे तरीके से जो है अपना इलेबोरेट करें, उसके बाद जो है आप आगे चलें, ठीक हो गया। और साफ़ज़र ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होता है अपना, यानी एक बिगिनिंग है, एक मिडल है और एंड है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने लिखना है। एज फार एज कौन सा ऐसे आएगा कौन सा नहीं आएगा, मैं तो इन चीज़ों की तरफ कान धरने से कासिर हूँ। मैं ये नहीं समझता कि सी एस एस के एस्पिरेंट को ये सोचना चाहिए कि जी कौन सा ऐसे आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आजकल अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, हो सकता है अकाउंटेबिलिटी पे आ जाए, बट यू पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील एनी काइंड ऑफ टॉपिक, वो चाहे प्रोवर्बियल आ जाए, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव आ जाए या कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसे आ जाए, तो आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी किस्म के ऐसे को जो है टैकल कर सके, ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन भी बार बार होता है जी फलां का स्टाइल है, नासिर जमाल का ये स्टाइल है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया जी वो फलां आपका स्टूडेंट एक जगह पढ़ा रहा है उसका ये स्टाइल है। मैंने कहा बच्चों देखिए स्टाइल जो हो कोई इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं है ना इसमें कोई दूसरी राय है, जो आपने एटलीस्ट लिखा है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। आप अपने टॉपिक को जो आपने चूज किया, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने अडॉप्ट किया, उसको आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई करें, ठीक हो गया। ये तो हो गया ऐसे। अब उसके बाद आपका जो है कंपोजिशन का पेपर आ गया है। अपना कंपोजिशन के पेपर में आपने क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करें प्रेसी की, कॉम्प्रिहेंशन की, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ जो सीएसएस में आ चुके हैं या पीएमएस पीसीएस के एग्जाम्स में जो आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करें, किसी से चेक कराएं। और बाज लोगों को मैंने देखा है कि एक ईडीएम के लिए वो 15-15
100 और 2000 3000 idioms जो है वो याद करते हैं, इतना टाइम सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस के एग्जाम के कैंडिडेट के पास वैसे होना नहीं चाहिए। तो जो है idioms भी याद करें, किसी भी ग्रामर की बुक से टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है या जो सादत अली शाह का अपना एक्सप्लोरिंग है, कोई भी 500-600-700 idioms अपने याद करें, पेयर ऑफ वर्ड्स आप जो है अपने याद करें, एनोलॉजी जो है जीआरई में अच्छी दी हुई है, उसको जो है सॉल्व करने का तरीका भी दिया गया। अक्सर लोग कहते हैं कि वोकैबुलरी की गेमर्स का एक प्रोसीजर एक तरीका भी है, उसको भी जरूर पढ़ें। सिनोनिम एंटोनिम्स की जहां तक बात है तो जीआरई की जो वोकैब है वो भी कंसल्ट की जा सकती है, कंसल्ट की जा सकती है, उसको बल्कि कंसल्ट करना चाहिए। बाज लोग लेकिन ये करते हैं उसे क्रैम करने की कोशिश करते हैं, क्रैम नहीं करना चाहिए। उसके अंदर 50 जो है ना अपना वर्ड लिस्ट दी गई है, उनको बार बार पढ़ें, जब 3-4 रिविजन आप लगा लेंगे तो आपको वो हेल्पफुल होंगे। वो जो जीआरई की वो जो वोकैब है वो आपको प्रेसी राइटिंग में हेल्प करेगी, प्रेसी का जो पैराग्राफ होगा, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आएंगे, न्यू वर्ड्स आएंगे, उनको अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंशन में, ट्रांसलेशन में। 20 मार्क्स का जो सिनोनिम एंटोनिम्स वाला पोर्शन है उसमें भी और एनालॉजी में भी आपको उसने जो है अपना हेल्प आउट करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने बचा करनी है। अब सीधा आ जाते हैं प्रेसी की तरफ। प्रेसी की अगर बात करते हैं तो प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू समराइज अपना अ पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग, कोई आपको दिया जाता है पैराग्राफ, उसको आपने समराइज करना होता है। स्टाइल की बात करें तो प्रेसी जो है ना अपना हमेशा नए पेज से स्टार्ट करनी होती है, पहले जो आपने रफ ड्राफ्ट वगैरह बना लिए होते हैं उसके बाद, और प्रेसी का एक ही पैराग्राफ होता है। सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबल है, लेकिन इसका मतलब हर किसी नहीं कि उधर से मेन जो पैराग्राफ है उसमें से कोई वर्ड जो है अपना नहीं लिया जा सकता। और इसके अलावा जो है आप प्रेसी में मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को जो मसला देखा है वो यही पेश आता है, आप लोग क्या करते हैं, आप वर्ड्स को बेटा समराइज करने की कोशिश करते हैं। प्रेसी जनरली कहा जाता है 1/3 होती है, ठीक है। अगर 10-15 वर्ड्स ऊपर हो गए, 10-15 वर्ड्स नीचे चले गए, नॉट एन इशू। इशू ये है कि बेटा आप आइडिया को समराइज करने की कोशिश करें। आप लोग वर्ड्स के पीछे पड़ जाते हैं, आपने एक सेंटेंस पढ़ा, दो सेंटेंसेस पढ़े, तीन सेंटेंसेस अपना जो है अपना आपने जो है सेंटेंसेस पढ़े, तो जो आपको समझ में आया, जो आइडिया आपके जहन में आया, अगर उन दो तीन सेंटेंसेस में या एक ही सेंटेंस में बात जो हो रही है, जो आपने अंडरस्टैंड की है बात, तो वो उसी बात को आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, रफ ड्राफ्ट बनाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर आप वर्ड्स के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर तो आप मुख्तसर नहीं कर सकते, यानी स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है एक सेंटेंस में एक बात हुई है, दो सेंटेंसेस में एक बात हुई है, तीन सेंटेंसेस में बात हुई है, तीन सेंटेंसेस को मैंने पढ़ा, उनको पढ़ के जो मेरे माइंड में आइडिया आया उस आइडिया को मैंने समराइज करके एक पॉइंट एक सेंटेंस की शक्ल में लिख दिया जब मैं ना फर्स्ट ड्राफ्ट बनाऊंगा। तो इस तरह आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेसी को जो है अपना समराइज करते आएंगे, उसको प्रिसाइज करके लिखते आएंगे अपनी लैंग्वेज में। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, समटाइम्स आपसे वो मीनिंग्स भी पूछता है अंडरलाइन वर्ड्स के, अपना जो वर्ड्स ऑफ प्रेसी होते हैं उनमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, उन अंडरलाइन वर्ड्स के उन्होंने मीनिंग पूछे होते हैं, तो वो मीनिंग्स जब आपसे पूछता है तो कोशिश करें जो रेलिवेंट मीनिंग बनता है, क्योंकि देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच हैव मोर देन वन मीनिंग, तो जो मीनिंग उस वर्ड का उधर बन रहा हो तो वही लिखें। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो ट्राई टू मेक अ गेस। गैस कैसे करना है कि जिस सेंटेंस में वो वर्ड है उस सेंटेंस को बार बार पढ़ें और हो सकता है कोई ना कोई आइडिया आ जाए, गलत लिख लेंगे नंबर ही कट जाएगा, हो सकता है आपका जो गैस है वो ठीक भी हो। हम नॉर्मली भी ये करते होते हैं, जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हम अंडरस्टैंड जरूर कर जाते हैं इसका मीनिंग जो है ये बन रहा है। समटाइम्स ये भी होता है कि प्रेसी के अंदर बाज़ूकात बच्चे को पूरा सेंटेंस उसने पढ़ा वो नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो आइडिया स्किप करने की बजाय आप उसी सेंटेंस को जब आप अपना लास्ट आर्ट बनाएंगे प्रेसी बनाएंगे, जो सेंटेंस जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दें, आपका एक आधा नंबर काट लेगा, लेकिन एटलीस्ट आप थॉट तो कोई गलत नहीं ना लिखाएंगे, क्योंकि आप तो वो परसीव ही नहीं कर पा रहे। तो ये प्रेसी,
बाकी प्रेस ही जब आप कर रहे हो पेपर में, आपने खास ख्याल रखना है कि इतना टाइम आपके पास जरूर हो, कि 35-40 मिनट लग ही जाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो फिर आप अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम आप बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने एक चीज देखी है। बाज लोग क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ को पढ़ते ही नहीं है और वो स्टार्ट कर देते हैं आंसर तलाश करना। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो पैराग्राफ आया हुआ है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो पहले पढ़ लें। वो ये होगा कि आप जरा और क्यूरियस होके उसे पढ़ेंगे तो इंक्विजिटिव हो जाएंगे आप। तो प्रेफर ये करूंगा कि क्वेश्चंस पढ़ लें और पैराग्राफ को डीप रीडिंग दें। 2 to 3 times पैराग्राफ को पढ़ें। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस के आंसर तलाश करेंगे आपको इजीली मिल जाएंगे। बाज लोग ये करते हैं कि पैराग्राफ पढ़ते नहीं और उसके बाद डायरेक्ट ही क्वेश्चन पकड़ा और उसका आंसर तलाश करने लग गए। ये गलत होता है। समटाइम्स क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें फिर आप जो है रॉन्ग आंसर देते हो। इसके अलावा सबसे अहम बात कॉम्प्रिहेंशन में है कि अगर आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको आंसर के जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। अगर आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे नहीं मार्क्स मिलेंगे। मैंने लोगों को देखा है जब मैं चेक कर रहा होता हूँ एज इट इज छापा लगा होता है, जैसे पैराग्राफ में वैसे लिखा होता है। अच्छा, एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी है, पैराग्राफ 30 sentences का होता है और जब हम 5 answers लिखते हैं तो 6-6 sentences का हमारा एक आंसर होता है। 30 sentences के हम आंसर्स भी लिखाते हैं, ये कैसे हो सकता है? मकसद अगर एक सेंटेंस में भी कोई रिप्लाई अब बनता है, कोई आंसर बनता है तो एक सेंटेंस में लिखा है, टू द पॉइंट बात करें। ज्यादा इधर उधर की जो है ना अपना बातें घड़ने की लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अब फाइनली हम आते हैं अपना ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन जो है अपना अगर देखा जाए, आप लोग ट्रांसलेशन में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, कैंडिडेट्स को देखा है, वो ये गलती करते हैं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। हालांकि इंग्लिश और उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है। और जैसा कि अपना उधर उर्दू टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं है कि जिस बात से वो बात स्टार्ट कर रहा है, जिस जिस पर्टिकुलर वर्ड से उसका सेंटेंस शुरू हुआ है, आपका जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो भी उसी जो है वर्ड से स्टार्ट हो। हमेशा याद रखें, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद सब्जेक्ट, फ्रॉम विद सब्जेक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट अ पर्टिकुलर पैराग्राफ फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश और वाइस वर्सा। इडियोमेटिक ट्रांसलेशन इज प्रेफरेबल कहा जाता है। अब इडियोमेटिक ट्रांसलेशन इडियम्स नहीं लिखने होते। इडियोमेटिक ट्रांसलेशन का मतलब है बच्चों बामुहावरा तर्जमा करना है, यानी आपको जो पैराग्राफ दिया गया है आप उसका इस तरह ट्रांसलेशन करें कि उसका मतलब वाजे हो जाए। अगेन प्रेसी की तरह सेंटेंस टू सेंटेंस आपने चलना है, सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। और जो सेंटेंस टू सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करना है, एक सेंटेंस आपने पढ़ा, जो आइडिया आपके जहन में आया आपने उस आइडिया को ट्रांसलेट करना है, ना कि वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट प्रेफरेबल। ट्रांसलेशन करते वक्त टेंसेस का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, स्पेशली जो बच्चे सिंध से होते हैं। मैंने उनको नोट किया, उनको उर्दू में थोड़ा सा देखा है कि उन्होंने इतना नहीं पढ़ा होता, प्रॉब्लम होता है, तो उनको ज्यादा ट्रांसलेशन पे ग्रिप और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर 10 marks की आते हैं तो 6 to 7, 8 आप स्कोर कर सकते हो, और अगर आपने अच्छे तरीके से पैराग्राफ को जो है अपना ट्रांसलेट किया है। तो ये चीजें हैं। और बचना किससे है, अपना जो है वेल डायरेक्टेड रहें, सही तरीके से प्रिपरेशन करें। और बेटा एट द एंड जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हमने तो यही सीखा है और आपको भी यही बता रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो आती है लिखने से और रीडिंग से। इट हैज ऑलवेज बीन ऑब्जर्व दैट एन एविड रीडर, अ गुड रीडर इज यूजुअली अ गुड राइटर। हो सकता है शुरू शुरू में उसे लिखने में कोई इश्यू आ रहा हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसा बंदा
जिसने रीडिंग इतना ज्यादा नहीं की है, जिसको रीडिंग का इतना ज्यादा जो है अपना करने का मौका नहीं मिला, तो वो जो एविड रीडर है उससे अच्छा लिखता है और जल्दी अपने फ्लॉज को जो है वो ओवरकम करता है। ठीक हो गया। इंग्लिश सीखनी है, अपना इंग्लिश ऐसे आप चाहते हैं पास हो जाए, सिंपल लिखें, जो आपसे पूछा गया उसका जवाब दें, इधर उधर की बात ना करें। बेटे एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि लाइफ को ऑब्जर्व करें। ग्रेट राइटर्स ने हमेशा लाइफ को ऑब्जर्व किया है। एक राइटर में और एक आम लेमैन में यही फर्क होता है कि एक राइटर जो है वो इल्म के समंदर में गोता लगा के वो मोती जो है वो नया मोती ढूंढ लाता है। वो इस वजह से ढूंढ लाता है क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है। हेलन केलर ने कहा था कि मैंने कई आंखों वाले जो है अपना अंधे देखे हैं। उसकी आंखें नहीं थी तो वो उसने ग्रेजुएशन भी की और राइटर भी है पूरी दुनिया में, अमेरिकन राइटर पूरी दुनिया में उसे लोग जानते हैं। उसने ये सरकास्टिक सेंटेंस इसलिए जो है अटर किया, बताया कि हम अपने सराउंडिंग्स को, अपनी लाइफ को, चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। हमारी वीक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है जिसकी वजह से हमारे आइडियाज वीक होते हैं, हम आइडियाज जनरेट नहीं कर पाते और हम बात जो है कोई सोच नहीं पड़े। तो क्योंकि ऐसे तो है बात से बात निकालनी है, कोहेरेंस कोहेजन, एक बात आपने की है सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ेंगे, चेन बनाएंगे तो बात बनेगी। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लिखें, चेक कराएं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, इम्प्रूव करें, स्टाइल्स को छोड़ें। ए का ये स्टाइल है, बी का ये स्टाइल है, नासिर जमाल के स्टाइल को छोड़ें, सबको छोड़ें, नॉट एन इशू। जो आप लिखते हैं वो सही लिखें और जो है टॉपिक से इधर उधर ना हो। ठीक हो गया है। वेग कंप्लेक्स सेंटेंसेस, कंप्लेक्स वर्ड्स, ये चीजें बिल्कुल इनसे अवॉइड करें। क्लैरिटी कटिंग ना करें। एग्जामिनर की अगर रिपोर्ट पढ़ें जो FPSC के एग्जामिनर ने दी थी, यही थी, स्मॉल एरर्स आप बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेलिंग के एरर्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, इनसे बचें। और जो है अपना क्लियर हो माइंडेड होके, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लिखें, अपनी राइटिंग स्पीड को तेज करें। आपकी राइटिंग स्पीड, आपकी राइटिंग जो है लेजिबल होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। सिविल सर्विस के एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं और आपने जो है अपना आपने लिखना है तो कम वक्त में आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। और एक और रिक्वेस्ट आपको यही करनी है कि अननेसेसरी जो है लोगों से कंसल्ट ना करें और जो है अपना अपने ऊपर एतमाद करें। बेटा मैं कभी किसी एकेडमी में नहीं गया, कोई साबित कर दे मैं किसी एकेडमी में गया हूँ। CSS खुद पढ़ने से होता है, लिखने से होता है, रीडिंग से होता है, ज्यादा से ज्यादा लिख के चेक कराने से होता है, अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने से होता है, डायरेक्ट बात करने से। ऐसे और कंपोजिशन के पेपर में इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक लेमैन बिल्कुल CSS कर सकता है, एक बंदा जो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है वो कर सकता है। और इंग्लिश के अंदर मैं आपको बार बार कहूंगा सिंपल रहें, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिलीव योर एबिलिटीज। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं, आई बिलीव इन योर एबिलिटीज। आप अपनी एबिलिटीज में बिलीव नहीं करते हैं, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप लोगों पे भरोसा है और मुझे आप लोगों पे यकीन है कि आप लोग कर सकते हैं। जब एक बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके से आया हुआ बच्चा आता है और वो लिखता है, मेरा कमाल नहीं है, मैं क्रेडिट क्यों लूं, वो लिखता है, मेहनत करता है, मेरी अननेसेसरी बातें भी बेचारा बर्दाश्त करता है, अगर वो एक महीने, डेढ़ महीना, दो महीना लिखने के बाद उसकी लैंग्वेज के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है तो आप में भी आ सकता है। सिंपल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, सर्दी से बचें, अपने आप को सर्दी से बचाएं, और प्रॉपर नींद करें, और वेल प्रिपेयर्ड होके, वेल डायरेक्टेड होके तैयारी करें। इंग्लिश के हवाले से सिंपल लिखें, जो बात आपसे पूछी गई है वही लिखें, और सही तरीके से तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीड करें। ना चीज की बुक भी अवेलेबल है, 50 लॉन्ग एसेज उसमें अवेलेबल है, उनको भी पढ़ें, कोई और भी मटेरियल है उसको पढ़ें, और बर्टन रसल को पढ़ें, और जो है अपना ज्यादा नई चीजों के पीछे अब ना भागें, जो चीजें आपने पढ़ी उन्हें रिवाइज करें, ऐसे कंपोजिशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और उन्हें अपना किसी से चेक कराएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बहाल हो। तो फी अमानिल्लाह, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।